आयकर सीमा में छूट की उम्मीद लगाए बैठे नौकरी पेशा लोगों को इस बार आम बजट से निराशा हाथ लगी है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि इस वित्त वर्ष में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही सरकार ने दोबारा स्टैंडर्ड डिडक्शन व्यवस्था की शुरुआत कर नौकरी पेशा लोगों को कुछ राहत देने की कोशिश की है। अरुण जेटली के मुताबिक इस वित्त वर्ष से आयकर देने वालों को 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि अब आपकी कुल आमदनी में से 40,000 रुपए घटाकर जो राशि बचेगी उस पर आपको सरकार को टैक्स देना होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन व्यवस्था को सरकार ने 2016 में बंद कर दिया था। इसके साथ ही सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर 1% सेस बढ़ा दिया है, जो कि अब 3% से बढ़कर 4% हो गया है, यानी कि अब आपको 1% टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को बजट में कुछ राहत देने की कोशिश की गई है। वरिष्ठ नागरिकों को डिपॉजिट पर मिलने वाली छूट 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। बुजुर्गों के लिए ATD में मेडिक्लेम के लिए 50,000 तक की छूट की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% होगा, तो वहीं 1 साल से ज्यादा शेयर रखने पर 15% की दर से आपको टैक्स देना पड़ेगा।